सामने आ रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त क्या हम आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का दंतेवाड़ा का और जगदलपुर का दौरा रहने वाला है और इस दौरे को बेहद अहम भी माना जा रहा है। तो दंतेवाड़ा और जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। करीब 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नवरात्रि के मौके पर मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे सीएम और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां से आशीर्वाद भी मांगेंगे। तो मां से आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। दर्शन के बाद जगदलपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल का इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज सीएम भूपेश बघेल का जो दंतेवाड़ा का दौरा बताया जा रहा है, साथ ही जगदलपुर के दौरे पर भी रहने वाले, क्या कुछ खास इस दौरे को लेकर के बताया जा सकता है, क्या जानकारी है? बिल्कुल सुरभि जी, बघेल पिछले दो दिनों से बस्तर जिले के दौरे पर हों और इस दौरान वह जगदलपुर, दंतेवाड़ा और आज बलौदाबाजार और बाटापारा जाएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है इस समय वर्तमान समय में मुख्यमंत्री दंतेश्वरी माई के दर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा पहुंच गए और इस समय मंदिर परिसर में ही मौजूद है। माँ दंतेश्वरी से मनोकामना मांग रहे हैं जिस तरीके से वह, चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर वह माता की शरण में पूरी तरह से भावभक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और यहां से वह सीधे रवाना हो जाएंगे वापस जगदलपुर। जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां पर एक कार्यक्रम है स्थानीय, उसमें शामिल होते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और साथ ही यहां पर जो बस्तर संभाग का जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर वहां के छत्तीसगढ़ जो टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है आभार सम्मेलन, उस आभार सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद वह लालबाग मैदान में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में शिरकत करते नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री अब सभी समाजों को, जिस तरीके से वर्गों को यहां पर साधते नजर आ रहे हैं, तो आज वह ओबीसी सम्मेलन को वहां संबोधित करेंगे और इसके बाद लगभग 3:10 पे दंतेश्वरी एयरपोर्ट से वह रवाना हो जाएंगे बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम जरवे के लिए। ग्राम जरवे के हाईस्कूल खेल मैदान में जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, वहां पर एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा अनावरण करेंगे वह, और साथ ही वहां पर जो विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसके अलावा वह कुछ सौगातें भी देंगे और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के 76वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। तो